इंदौर जो अपनी सफाई के लिए देश भर में मशहूर है, अब ट्रैफिक के मामले में भी नंबर वन बनने की राह पर है और इस मिशन में शामिल है इंदौर के लोग, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नन्हे हीरो से जो अपने जज्बे और जुनून से सभी को प्रेरित कर रहा है। ये है 8 साल का आदित्य तिवारी, जो आर्मी की ड्रेस, सेना लिखी हुई कैप और पुलिस का जैकेट पहनकर ट्रैफिक की व्यवस्था संभाल रहा है। आदित्य खुद को भारतीय यातायात सैनिक बताता है। उसके जोश और जज्बे को देखकर वाहन चालक भी रुक जाते हैं और आदित्य से ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश ग्रहण करते हैं। आपको बता दें, आदित्य भवरकुहा चौराहा पर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश भी देता है। आदित्य का कहना है कि उसने अपनी माँ से कहा था कि वह आर्मी में जाना चाहता है और सैनिक बनना चाहता है। माँ ने कहा कि अभी हमारे दो दुश्मन हैं, ट्रैफिक और प्रदूषण, इन्हें खत्म करो फिर सोल्जर बनना। बस तभी से आदित्य ने ट्रैफिक कंट्रोल का जिम्मा उठा लिया। स्वच्छ शहर इंदौर सफाई में अव्वल आने के बाद ट्रैफिक में भी नंबर वन बनने की जदोहद में लगा हुआ है। इसलिए ट्रैफिक में इंदौर को नंबर वन बनाने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने मैदान संभाल रखा है। हाल ही में ट्रैफिक के लिए करीब 200 महिलाओं को भी तैनात किया गया था। इसके साथ बच्चे और बुजुर्ग भी अपने स्तर पर मैदान पर छाए हुए हैं। ऐसा ही नज़ारा इंदौर के भवरकुहा चौराहे पर देखने को मिलता है। यहाँ 8 साल का नन्हा मासूम ट्रैफिक की व्यवस्था संभालने के साथ ही चौराहे पर वाहन चालकों को ट्रैफिक के नियम का ज्ञान भी देता है। आर्मी की ड्रेस, सिर पर सेना लिखी हुई कैप और पुलिस का जैकेट पहनकर भवरकुहा चौराहे पर तैनात 8 बरस का आदित्य तिवारी खुद को भारतीय यातायात का सैनिक बताता है। आदित्य का जोश और जज्बा देखकर वाहन चालक भी अपना वाहन रोक देते हैं और बच्चे को देखते हुए ट्रैफिक के नियम समझते हैं। मेरा नाम इंडियन ट्रैफिक सोल्जर आदित्य तिवारी है। मैं पहले स्कूल जाता हूँ, फिर वहाँ से आता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर इधर आता हूँ, फिर उधर घर पे जाती हूँ, वापस से पढ़ाई करता हूँ। ना चाह रहा हूँ कि लोग मेरे जैसे बने। मेरी दीदी से मेरी दीदी से इंस्पिरेशन मिला था, क्योंकि वो भी एक मिशन नो स्मोकिंग चलाती है। तो मैंने भी बोला कि मुझे भी देश की सेवा करनी है और मैं अपने गीत के द्वारा लोगों को समझा रही हूँ। मैं 3 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़े होकर ना सोल्जर बनना था और मम्मी ने पहले मुझे बोला कि अभी सोल्जर तो आप बन नहीं सकते। तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी अपने दो दुश्मन हैं, ट्रैफिक और पॉल्यूशन, पहले उनको ख़त्म करो फिर सोल्जर बनो। मैं गाने कुछ कुछ यूट्यूब से सीखता हूँ और कुछ कुछ हम दोनों बना लेते हैं। हाँ, बोर्ड में खतरा है मौत वाला, सर पर ना हेलमेट डाला। खतरा है मौत वाला, सर पर ना हेलमेट डाला। खतरे से हो जा सावधान, सेफ्टी अपना ले मेरे यार। रेड सिग्नल पर तू रुकना, ड्रिंक और ड्राइव ना करना। रेड सिग्नल पर तू रुकना, ड्रिंक और ड्राइव ना करना। सीट बेल्ट लगाना हर बार, सेफ्टी अपना ले मेरे यार। वैसे अपना इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है, वैसा मेरा एक सपना है कि अपना इंदौर ना ट्रैफिक में भी नंबर वन रहे। आदित्य की मां संगीता तिवारी बताती हैं कि इस कोशिश से उनका बच्चा मोबाइल और दूसरी संगत से दूर रह रहा है। आदित्य के पिता बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो हमेशा आदित्य को प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि समाज से काफी विरोध भी मिला, लोग कहते थे कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन संगीता ने हार नहीं मानी और हर हाल में आदित्य का साथ दिया। बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा तो इससे मैं इसका पूरा पूरा सपोर्ट करती हूँ और पूरी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई जैसी हो जाए और ये काम भी करते हैं। हाँ जी, वो कई बार क्या होता है कि और तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे या तो कहीं जाना है, हाँ इसकी कभी किसी बर्थडे पार्टी किसी फ्रेंड की, तब ये आगे उसे कुछ बोलता है कि मम्मी आज मैं ना ड्यूटी पर ही जाऊँगा, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मैं वो चीज़ खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि कभी कभी तो ब्रेक ले। संडे को मैं खुद ब्रेक दिलाती हूँ यहाँ से, इसकी इच्छा संडे को भी आने की होती थी, छुट्टी नहीं लेता था, तो मैंने कहा नहीं आप संडे को तो अपन घूमेंगे इधर उधर, तो आपको छुट्टी देना है, तो एक संडे की छुट्टी ऐसे ले रहता है। तो वैसे तो फैमिली में तो कोई किसी ने मना नहीं किया, यहाँ जरूर के सब लोग बोलते हैं आके, मतलब मजाक जैसा भी बनाए जाते, बोलते हैं आप बच्चे का समय बर्बाद कर रहे हो, आप बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रही हो। और घर में तो हर कोई सपोर्ट, इसके पापा सपोर्ट करते हैं, हमारे फैमिली में और भी जो रिलेटिव है सब बहुत खुश होते हैं कि आप
ये सोशल वर्क कर रहा है, क्योंकि इसकी दीदी भी कर चुकी है, तो इसलिए किसी के वो ऐसा नहीं रखता है कि कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो या कुछ, सबके लिए अच्छा है। तो यहाँ के लिए आप बैनर वगैरह इसे तैयार करना, तो कुछ तो काफ़ी सारी कुछ ड्राइंग्स वगैरह कर लेता है, कलरिंग में कई बार बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है और उसको पढ़ाई भी करनी है, तो मैं बोलती बेटा मैं आदि से ये कर दूँगी, वो कर देती है, इसकी दीदी भी सपोर्ट करती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना, तो ड्राइंग वगैरह भी बनाना, तो भी बोलती मैं करवा देती हूँ। गानों के लिए ये ढूंढता है, फ्री टाइम में गाने सुनता है और उन गानों को मतलब ये सुनते सुनते भी इसको याद हो जाते हैं, तो वैसे करके प्रैक्टिस करता है, खेलता भी रहेगा तो गाने गाते रहेगा, उसको गाने का इतना शौक है, तो उस गाने में इस तरह की चीज़ें कर लेता है। और बस ये रहता है कि स्कूल जाता है, इसका शेड्यूल काफ़ी बिजी जैसा ही चलता है, तो सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से 4 बजे करीब छूटता है, घर आता है आराम से नाश्ता पानी करके, बस नाश्ता पानी करते समय टीवी में कोई कार्टून वगैरह देखता है, और उसके बाद से फिर वो रेडी हो जाता है कि मम्मी चलते हैं, तो बीच में बोलते अगर टाइम रहता है थोड़ा, तो मैं बोलती बेटा कोई होमवर्क हो तो वो कर लो, तो रहता है तो वो कर लेता है, फिर मैं उसको लेकर यहाँ आ जाती हूँ, 3-4 घंटे यहाँ देते हैं हम लोग टाइम, उसके बाद 8 के आसपास घर जाते हैं, फिर वो फिर कुछ नाश्ता पानी देती तो वो अपने सारे होमवर्क कंप्लीट करता है, याद करने को चीज़ें जाती है वो करता है, मैं अपने किचन वर्क में लग जाती हूँ, फिर बाकी उसकी पढ़ाई में उसके बाद थोड़ी हेल्प करती हूँ। आदित्य की बहन भी एक नो स्मोकिंग मिशन में शामिल है जिसमें आदित्य ने उसे सपोर्ट किया है, अब आदित्य खुद आकर ट्रैफिक संभालने के लिए उत्साहित रहता है। आपको बता दे आदित्य का दिनचर्या भी बहुत बिजी रहता है, सुबह से स्कूल फिर घर लौटते ही खाना खाते वक्त कार्टून देखता है, शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ट्रैफिक संभालता है, गाने सुनता है और उन्हें ट्रैफिक से जोड़कर लिखता है, रात को 1-1.5 घंटे स्कूल की पढ़ाई करता है, कोचिंग नहीं जाता क्योंकि उसे मुझे ही पढ़ाना होता है। संगीता ने भी अपना समय आदित्य के हिसाब से सेट कर लिया है। इंदौर का ये नन्ना हीरो अपने काम से सबका दिल जीत रहा है। आदित्य जैसे बच्चे से हमें सीख मिलती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, जोश और जज्बा ही असली पहचान है। लोकल 18 के लिए इंदौर से राधिका की रिपोर्ट।